6 है, इसकी बदौलत है और इससे ज्यादा आगे बताओ तो मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरे मेंटर जिनकी बताए हुए राह पे मैं आज भी चलता हूँ, इसको और मेरे को यूट्यूब को बता दें और इससे भी आगे मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे बेटर हाफ, इसके लिए मैंने आज तक कभी स्टेज पे नहीं बोला है बट आज मैं फर्स्ट टाइम ही बोलने जा रहा हूँ। पार्टिसिपेट तो बहुत किया है उन्होंने मेरी लाइफ में, हेल्प भी बहुत की है और आज तक की मेरी एनर्जी के अलावा जर्नी में भी उसका मेरे से ज्यादा रोल है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। बट ये स्पेशली एनर्जी की होने के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं एनर्जी में आया ना जिस दिन से मनसुख भाई ने मुझे बोला कि लास्ट टाइम आपको बोलने आना है फिर नहीं आना, उसके बाद आज तक मैं घर पे जाता हूँ, कभी ये नहीं पूछा कहाँ गए थे, कौन से टाइम पे गए थे, कौन से टाइम पे आए हो। सिर्फ एक ही सवाल होता है, आपको खाना खाना है तो अभी गर्मा गर्म रोटी बना दीजिए। दोस्तों रात को 2:30 बजे रोटी बना के खिलाई है मुझे, रात को 3:30 बजे 3:30 बजे रोटी बना के खिलाई है मुझे। सिर्फ मुझे यही पूछती है आप गर्मा गर्म रोटी खा लो क्योंकि खाना तो एक ही टाइम होता है और इतना सपोर्ट किया है मुझे, कभी ना तो कंप्लेन की है ना कोई शिकायत कुछ भी कभी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ खाना खाया और खाना खाना है तो भी गर्मा गर्म बना दो, बस दो ही सवाल होते हैं। बाहर मेरे साथ जर्नी में राजेंद्र कुमार होते हैं, संतोष भाई भी आ चुके हैं, मुकेश भाई, मनसुख सर खुद आ चुके हैं, भरत भाई, कभी मेरे को फोन करके कुछ लखपत सफर नहीं किया, सिर्फ यही पूछती है कहाँ पहुंचे, खाना खाया जी, वीरेंद्र सर भी है, हाँ वो तो वो भी है, कितने लोग जा रहे हैं वो घुस के बाकरी और मिर्ची का मिर्ची की सब्जी बना देती है और इतना ही पूछती है कहाँ तक पहुंचे और खाना खाया के लिए। तीसरा सवाल उसने घर से ही बोला होता है लेकिन मैंने आज तक जवाब नहीं दिया और वो है पहुंचने के बाद कॉल करना, और मैं फिर से बोलता हूँ कि आज तक मैंने कॉल नहीं किया है, थैंक यू बोलना चाहूंगा इसको और इसके साथ मेरे दोनों लड़के को। मुझे लगता है ये मेरे जितने बड़े हो चुके हैं अभी फिर भी पहले उसकी जरूरत थी तो उसके साथ रहता था, जब उसकी जरूरत नहीं थी उस टाइम में नहीं भी था, छोटा था तो छोड़ के चले गए थे, बीच में जब जरूरत थी तो मैं साथ में था और अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा के साथ ये रहते हैं। लास्ट 2 या 2.5 साल से मैं उसकी स्कूल की एक भी मीटिंग में नहीं गया, ना तो पेरेंट्स मीटिंग, ना तो एनुअल फंक्शन, ना तो इवन रिजल्ट लेने के लिए सिंगल टाइम गया, और वो दोनों मैनेज करते हैं, वहां से पर्ची लिखवा के आते हैं, स्कूल की फीस भरने के लिए भी वो दोनों मैनेज करते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में KYC से लेके 15G के फॉर्म से लेके आधे से ज्यादा काम वो दोनों करते हैं। और मैंने भी बैंक का ज्यादा सपोर्ट है वो तो आपको बताए नहीं, तो आज स्टेज से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा श्रीमती माधवी चलोड़िया को और मिस्टर मधु मित्तल सर और दिवेश सर को। और अब मनसुख सर के हाथ